आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। संतरा सारे विश्व में बहुत सारे जगह पर पाया जाता है और यह बहुत पॉपुलर भी है। संतरा सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होता, वो न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है। संतरे में कैलोरीज, पानी, फाइबर, विटामिन सी, थायामिन या विटामिन B1, पोटेशियम, एंथोसियानिन आदि पाया जाता है। उसका पहला फायदा है दिल को स्वस्थ रखना। संतरे में बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, खास करके हेस्पायरिडिन नाम का एक फ्लेवोनॉइड दिल को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने में काम के लिए जाना जाता है। दूसरा फायदा है हाई ब्लड प्रेशर को कम करना। संतरे में पोटेशियम पाया जाता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, और भी इसमें सोडियम ना के बराबर होता है जो कि इसे हाई ब्लड प्रेशर लोगों के लिए अच्छा चॉइस बनाता है। तीसरा फायदा है त्वचा के लिए फायदेमंद साबित होना। संतरा विटामिन सी से भरा हुआ है। विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करके त्वचा को स्वस्थ और चबा बना रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। चौथा फायदा है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन सी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। पांचवा फायदा है आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करना। संतरे में बीटा कैरोटीन नाम का एक कैरोटीनॉइड पाया जाता है जो कि शरीर में जाने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। विटामिन ए हमारे आंखों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। छठा फायदा है एनीमिया जैसी बीमारी को दूर रखने में मदद करना। हालांकि ये संतरा आयरन का एक अच्छा सोर्स नहीं है, लेकिन इसमें विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दोनों ही एसिड हमारे शरीर के डाइजेस्टिव ट्रैक से आयरन को अवशोषण की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। सातवां फायदा है शुगर लेवल को नियंत्रण में रखना। संतरे में पाए जाने वाला फाइबर ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। संतरे में जो शुगर पाया जाता है वह फ्रुक्टोज होता है, इसलिए डायबिटीज मरीजों के लिए इतना हानिकारक नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि आप जितने मर्जी खा लें, नियंत्रण में खाना चाहिए। आठवां फायदा है कॉन्स्टिपेशन से राहत देना। संतरे में सोल्युबल और इनसोल्युबल दोनों ही तरह की फाइबर पाया जाता है जो कि बाउल की गतिविधि को बेहतर बनाकर कॉन्स्टिपेशन से राहत देता है। नवा फायदा है गर्भावस्था के दौरान फायदेमंद होना। संतरे में फोलेट पाया जाता है। हमारा शरीर फोलेट को DNA तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता है। गर्भावस्था में अगर संतरे को उचित मात्रा में सेवन किया जाए तो यह जन्म के कुछ दोष को दूर करता है। दसवां फायदा है गुर्दे की पथरी की समस्या को दूर कर सकता है। संतरे का रस यूरिन में साइट्रेट का स्तर बढ़ाकर एसिडिटी का स्तर घटाता है, जिससे गुर्दे की पथरी की होने की संभावना कम होती है। वो कहा जाता है ना, किसी भी चीज़ का अधिक कभी भी अच्छा नहीं होता। ठीक उसी तरह संतरे का हद से ज़्यादा सेवन उल्टी, पेट में गड़बड़ी, वजन बढ़ना, सीने और पेट में जलन आदि समस्या की वजह बन सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन भर में 4 से 5 संतरा अलग अलग समय पर खाना ठीक है। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको यूजफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।